हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज मैं आप लोगों को फ्री रेडिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट वन का नोट्स है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। फ्री रेडिकल्स में आज हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, इसके कौन कौन सी क्वालिटी होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एग्जाम्पल्स, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सारा चीज आज हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड और भी नोट्स देखने हैं इस यूनिट के, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स का डेफिनेशन। तो मैंने आप लोगों को इस यूनिट के फर्स्ट नोट्स में ही ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिजन के बारे में, मतलब बॉन्ड का टूटना। तो उसी समय मैंने आप लोगों को फ्री रेडिकल्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है, जब कोई पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो R और X, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें बना हुआ है। तो जब कोई भी दो एटम या कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड तभी बनता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके आपस में जो है ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो R एंड X, इन दोनों के बीच दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके दोनों बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब इसमें होमोलाइटिक फिजन होता है, मतलब ये जब बॉन्ड टूटते हैं, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आर की तरफ चला जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने अपने एटम के पास जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद जब इसमें होमोलाइटिक फिजन होता है तो ये आर और एक्स, मतलब ये दो भाग में जो है वो टूट गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आर के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स के पास चला गया। तो यही जो होता है वो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। मतलब फ्री रेडिकल्स वे होते हैं जिनके पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी सहसंयोजक आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन होता है तो उसके बाद परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। मतलब क्या कहा जा रहा है, जब कोई बॉन्ड में होमोलाइटिक फिजन होता है तो इनके पास खुद का अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन एटम्स के पास, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ना ही प्लस चार्ज है और ना ही माइनस चार्ज है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर हिस्सों में जो है वो बट गए हैं। अगर ऐसा होता कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चले जाता, या ऐसा कंडीशन होता कि दोनों इलेक्ट्रॉन आर के पास चला जाता, उस कंडीशन में जो है वो इस पे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है और इन्हें मुक्त मूलक कहते हैं। यहाँ पे आप लोग जो डॉट का साइन देख रहे हो, इसे फ्री रेडिकल्स हम कहेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो क्लोरीन, ये भी आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में, मतलब जब भी ये बॉन्ड टूटता है, तो कोई ना कोई एनर्जी या फिर कुछ लाइट या फिर टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया यूवी लाइट का, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। तो ये जो ClCl है, ठीक है, क्लोरीन के जो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बने हुए, तो इसमें जो है वो टू इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जो है वो चला जाएगा। मतलब क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, इनके पास अपना खुद का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये होता है फ्री रेडिकल्स, बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम लोग इसमें क्वालिटी देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें गुण होते हैं या अत्यंत सक्रिय होते हैं। बस इसमें समझाने वाली कोई उतनी बात नहीं है, बस आप लोगों को इसे याद करना है। यह अत्यंत सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इनमें इसे विषम परमाणु या ऑड इलेक्ट्रॉन एटम भी कहते हैं। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाया जाता है, दो आबंधों या टू बॉन्ड के बीच जो है वो 120 एंगल का जो है 120 डिग्री का जो है वो एंगल बनता है। तो ये आप लोग इसमें गुण लिख सकते हो, और इसमें आप लोगों को एग्जांपल भी लिखना होगा। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो H3C मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल फ्री रेडिकल्स, C6H5 फेनिल मुक्त मूलक या फेनिल फ्री रेडिकल्स, C6H5 3C ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक, ट्राइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है एंड इसकी क्वालिटी है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं मुक्त मूलकों का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा के प्रयोग से, मतलब एनर्जी के यूज से। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बॉन्ड है वो तभी टूटते हैं जब उसको कुछ एनर्जी मिले, चाहे वो सनलाइट हो या कुछ टेम्परेचर हो। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड साधारण प्रकाश, मतलब नॉर्मल लाइट में, कुछ सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में अपघटित होकर फ्री रेडिकल्स जो है वो उत्पन्न करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था, क्लोरीन क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें जो ये बॉन्ड है वो टूट जाएगा और हमें टू फ्री रेडिकल्स जो है वो प्राप्त होगा, क्लोरीन क्लोरीन ये जो है वो फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो मैकेनिज्म होगा वही सेम होगा, जब टू बॉन्ड जो है वो जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयरिंग जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग परमाणु में जो है वो चला जाएगा, एटम में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, सारा चीज में यही मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, CH3COCH3, यहाँ भी यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये भी फ्री रेडिकल्स जो है वो उत्पन्न करेंगे, CH3+CH3CO, ठीक है। देन CH3CO में अगर हम फिर से यूवी लाइट दे तो ये भी टू फ्री रेडिकल्स जो है वो उत्पन्न करेंगे, CH3CO। देन और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, CH3 4PV, हाई टेम्परेचर में अगर हम इसे रिएक्शन इसका कराया तो होगा, यहाँ पे भी हमें फ्री रेडिकल्स Pb4CH3 जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है उसमें उतना ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की जो है वो साझेदारी करके आपस में टूट जाते हैं और फ्री रेडिकल्स का जो है वो फॉर्मेशन करता है। एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि जो फ्री रेडिकल्स होंगे उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये हमेशा न्यूट्रल होगा, इसमें कोई भी चार्ज कोई भी आवेश जो है वो नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। फिर हम लोग देखते हैं गोमबर्ग की रासायनिक विधि के द्वारा बेंजीन में बनाए गए ट्राई एरिल क्लोरोमेथेन के विलयन में SgAg डालकर कई दिनों तक छोड़ देने पर भी ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल्स जो है वो प्राप्त होता है। तो ये भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो कि जो ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल्स है वो कैसे प्राप्त होता है, मतलब इसमें जो है वो क्या कहा जा रहा है, SgMg और Ag डालकर कई दिनों तक जो है वो छोड़ देने पर ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल्स जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये भी एग्जांपल आप लोग जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। देन हम देखते हैं इसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं फ्री रेडिकल्स में। अब हम इसका रिएक्शंस देखेंगे कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयोग, कॉम्बिनेशन, असमानुपात और अपोहन, जिसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में जब इसे कंबाइन किया जाता है तो कैसे फिर से बॉन्ड बनता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अब तक हम लोगों ने जो बॉन्ड के टूटने पे जो फ्री रेडिकल्स बनना हम लोगों ने अभी तक पढ़ रहे थे तो उसके ये जस्ट अपोजिट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं संयोग, कॉम्बिनेशन। दो समान या भिन्न मूलक या अलग अलग रेडिकल्स भी हो सकते हैं या फिर एक जैसे रेडिकल्स भी हो सकते हैं, आपस में संयोग करके, मतलब आपस में एक दूसरे से जो है वो कंबाइन करके एक नया मतलब इस प्रकार का जो है वो बॉन्ड बना, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल बहुत बार बता चुका है, ClCl क्लोरीन, ठीक है, फ्री रेडिकल्स है, आपस में जुड़ करके फिर से एक सहसंयोजक बंध जिसे हम कहते हैं बॉन्ड जो है वो बना लेंगे। फिर इसमें क्या कहा जा रहा है, CH3Cl, मतलब इसमें जो भिन्न अलग अलग जो रेडिकल्स है वो भी कंबाइन होकर के बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। यहाँ भी अलग अलग फ्री रेडिकल्स है जैसे CH3Cl आपस में कंबाइन होकर के बॉन्ड बनाया CH3Cl, ठीक है। अब हम देखेंगे असमानुपात, डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसमें एक रेडिकल्स दूसरे को अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है और दोनों स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो टू रेडिकल्स हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एथिल फ्री रेडिकल्स, ठीक है, CH3CH2CH2CH3, तो ये क्या करेंगे, दोनों रेडिकल्स आपस में जो है वो अपना हाइड्रोजन को जो है वो आयन को एक दूसरे को दे देंगे, जिससे इसमें जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिये यहाँ पे CH3CH2, तो इसमें का जो CH3 एक हाइड्रोजन आयन है, उन्होंने अपना हाइड्रोजन आयन इस CH2 को जो है वो प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे हुआ CH3CH3 और प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये अपना हाइड्रोजन आयन देकर के जो है वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। देन लास्ट हम देखते हैं अपोहन, जिसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। फ्री रेडिकल्स किसी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में एक परमाणु एक एटम हाइड्रोजन को जो है वो ले लेता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो फ्री रेडिकल्स क्लोरीन प्लस एच सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें क्या होगा, ये जो H है क्या कहा जा रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को जो है वो ले लेता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो ये जो है वो फ्री रेडिकल्स के साथ जुड़ जाएंगे HCl और CH3। सेम यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, CH3 प्लस H सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ये जो H है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा CH4 प्लस C2H5। तो इसमें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्वालिटी में मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप यू गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो उतना ज्यादा, मतलब ये जो टॉपिक है उतना ज्यादा कठिन नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझ के इसे लिखना है। अब अच्छा लगा होगा वीडियोस तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।